हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फोनी की इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे पल्सर 150 ABS के बारे में। तो ये ट्विन डिस्क वेरिएंट है, तो ट्विन डिस्क ABS, तो यहाँ पे आप 150 देख सकते हैं। तो ये ट्विन डिस्क वाला 150 का पल्सर है और इसमें देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो कि बहुत इंतज़ार था कि कब आएगा ABS वेरिएंट पल्सर का, तो ये ABS वेरिएंट आ चुका है और आप यहाँ पे ABS का पैनल देख सकते हैं। 260 mm का ये डिस्क ब्रेक है, तो आप देख सकते हैं। और साथ में अगर हम पीछे में देखें तो मैं आपको बता दूं कि ये सिंगल चैनल ABS है। बाय द वे, इसमें सिर्फ जो आगे वाला व्हील है वही जो है उसी पे ABS वर्क करता है। अगर आप पीछे वाला व्हील देखेंगे तो यहाँ पे आपको 200, क्योंकि ये ट्यून डिस्क है तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, तो यहाँ पे आपको 230 mm का ये डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और ये जो आपको सिस्टम यहाँ दिख रहा है तो ये ABS पैनल नहीं है, एक्चुअली ये RLP का पैनल लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जब आप ब्रेक मारते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारा रियर व्हील जो है उड़ जाता है, और तो जब वो अगर ज़मीन पे ना होगा तो हमारा ब्रेक को ये कैसे कैचअप करेगा, कैसे पकड़ेगा, ज़मीन को कैसे पकड़ेगा। तो इसलिए ये लगाया रहता है ताकि ये पीछे वाला, जब आप ब्रेक ज़्यादा हार्ड लें आगे से तो पीछे वाला चक्का कहीं आपका जो है ज़मीन छोड़ ना दे, ज़मीन उठ ना जाए, उस अनुसार उसको ये मैनेज करता है। तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई है, तो सिंगल चैनल ABS में ये आता है। अब मैंने 3 बाइक्स यहाँ खड़ी कर रखी है, आप देख पा रहे होंगे सामने में रेगुलर है और उधर नियोन है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ मैं इसका रिव्यू करूँगा कि अभी ये बाइक आप लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जो आपने ABS देख लिया कि अभी ABS वेरिएंट इसमें आ रहा है, साथ ही साथ अगर हम थोड़ा ग्राफिक्स लुक वाइज देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ABS का, और इस तरह से तो सबसे पहला जो चीज़ नोटिस करने वाली हमें मिलेगी तो वो यहाँ पे ये सीटिंग पोजीशंस मिलेगी। तो अगर हम रेगुलर काबले देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो ये सीटिंग जो है वहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, यहाँ पे सिंगल सीट मिलता है लेकिन यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऑफ 220 पे बनाया गया है, तो 220 जैसा इसमें आप देख सकते हैं एक बहुत ज़्यादा विड्थ का आपको टायर मिल जाता है, मतलब चौड़ाई जो है आप देख सकते हैं इसका 120x80 का आपको 17 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, जबकि अगर आप उसमें देखिएगा तो आपको इससे कम मिलता है। तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में भी आपको कुछ इसी तरह का चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो ग्राफिक्स वाइज मुझे, मतलब इंजन स्पेसिफिकेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। जो 150 का जो आपका बाइक का जो इंजन का जो पावर आता था वही पावर आपको आज भी देखने को मिलता है इसमें, किसी तरह का इसमें कोई इसी तरह का चेंज नहीं किया गया है। हालांकि स्टिकरिंग में आपको थोड़ा मोड़ा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप इंजन गार्ड में यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे टैंक पे देख सकते हैं, साथ ही साथ पीछे में जब हम 150 के लोगों के पास आते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं, आप इधर ये सब देख सकते हैं। तो ये DTSI इंजन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और अगर हम इस साइड से, अगर फ्रंट साइड से देखें तो एक बार हम अगर बॉल का लाइट देखें कि कैसा हेडलाइट इसका ऑन होता है, तो हेडलाइट को दिखाइए कैसा हेडलाइट ऑन होता है। तो इंडिकेटर्स हैं, और अगर लाइट को देखें इस तरह का, और साउंड मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसा साउंड सुनने में लगता है इसका। तो इस तरह का कुछ 150 में आपको साउंड सुनने को मिल जाएगा, बंद कर दीजिए। तो ये हो गया। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो सस्पेंशंस मिलते हैं वो काफ़ी चौड़े और काफ़ी एंटी, मतलब आपको फ्रिक्शन को काफ़ी कम करते हैं, तो काफ़ी अच्छे सस्पेंशंस आपको, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये 220 पे बेस्ड एक तरह से मैं बोल सकता हूँ। बहुत लोग 180 बोल रहे थे लेकिन 180 ही एक्चुअली 220 पे ही बेस्ड है। उसके बाद हैंडिंग कम्फर्ट, सिटिंग कम्फर्ट, इस सब तरीके से आप देख सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, क्योंकि जब आप पल्सर लेने आइएगा तो मुझे सबसे खास क्या डिफरेंस देखने को मिला। तो इस बाइक्स का जो एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलेगा वो पटना का 89,133 है, मतलब 89,000 रुपीज़ लगभग आपको एक्स शोरूम प्राइस पटना का देखने को मिलता है। जब हम उससे थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं और अगर इसका हम एक्स शोरूम प्राइस अगर जानना चाहें तो यहाँ पर हमें 85,997 मिलता है, मतलब लगभग 86 के आसपास आपको 86,000 का आपको एक्स शोरूम प्राइस आता है। तो अगर एक्स शोरूम प्राइस के डिफरेंस के अनुसार अगर देखें हम तो आपको 3,000 रुपये का डिफरेंस में आप बहुत सारी चीज़ें आपको चेंजेस यहाँ मिल जाती हैं। 3,000 डिफरेंस में जो है आपको सबसे पहला चेंज है जो मुझे लगता है कि खास प्रभाव डालेगा वो होता है स्प्लिट सीट टायर्स। तो टायर्स यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ,
100/90 के आपको 17 इंच के टायर मिल जाते हैं, वो उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है जितना ज़्यादा आपको जो वीड है चौड़ाई का वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ये टायर और उस टायर में बहुत अंतर है, स्प्लिट सीट में बहुत अंतर है। फिर आपका जो ये क्वालिटी ऑफ ये जो बॉडी गार्ड है इसमें और इसमें अगर देखिएगा तो ये तो लगता है जैसे कि 220 का ही इसमें लगाया हुआ है, जो कि 220 में आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सेम टू सेम। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं और इसका देखिए ये राउंड फ्रेम, ये राउंड फ्रेम एक और ये एक फ्रेम देखिए और यहीं पे 220 है इसका फ्रेम देखिए। तो जैसा कि मैंने बताया एकदम 220 से और वही 3000 का भी डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर अब उससे आगे बढ़ते हैं गियर शिफ्टर, ये आप देख सकते हैं वन साइड आगे से आपको अप एंड डाउन गियर शिफ्टर मिलता है इसमें। यहाँ पर जब हम आ जाते हैं तो हमें आगे पीछे से इस तरह से गियर शिफ्टर मिलता है, ये भी एक समझिए वो एक प्रीमियम गियर शिफ्टर हो गया और रेसिंग बाइक्स में लोग उस तरह के गियर शिफ्टर का ही यूज़ करना पसंद करते हैं। स्टिकर्स में थोड़ी कमी की गई है इसमें, यहाँ पे देखिए यहाँ हल्का सा स्टिकर है, यहाँ देखिए उससे बड़ा स्टिकर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। शायद आपको कैमरा के नज़रों से दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, आप अपने नज़दीकी शोरूम में भी जा कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। वैसे मैं टायर में जो आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं ये आपको ये रिम अलॉय व्हील्स में यहाँ देखने को मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स में यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। प्लस जो आपका एबीएस का पैनल है वो आप इसमें देखिए और इसमें देखिए, उसमें भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसमें एबीएस का पैनल देखिए, तो यही बहुत सारे डिफरेंसेस है जो कि लगता है मुझे कि 3000 रुपये का डिफरेंस में। फिर थोड़ा सा ये इसका आप देख सकते हैं ये पेंट का ये किस तरह से ये लगता है देखने में, और अगर इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे भी थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर रियर सस्पेंशन वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, दोनों में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, शॉक एग्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोक्स सेम, यहाँ पर भी कुछ उसी तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रियर में अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको कुछ 220 में जिस तरह से आपको सीट रियर सीट जो मिलता है बैठने के लिए पिलन के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे 220 में दिखाऊँ आपको, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर वहाँ से आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल क्लासिक जैसा जो है सीट जो नियो में आपको मिलता है, ये नियोन लगी हुई है, उस तरह का आपको देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं मीटर कंसोल का फ्रेम देखते हैं। वैसे इसमें ऑफ ऑन करने का ऑप्शन नहीं है एबीएस का, तो वो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि लोग ऐसे ऑफ करके चलने लगेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर, तो कलर में ये चेंज आपको देखने को मिलेगा, दोनों का अलग कलर है लेकिन उसके बाद ये लाइट ऑफ हो जाता है और उसके बाद जब भी आप ऑन कीजिएगा तभी इसका लाइट जो है ऑन होकर आपको दिखाता है। तो कलर में चेंजेस है, बाकी ये सब चीज़ों में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। तो ऑन रोड प्राइस की अगर दोनों की बात करें तो इसका पहले मैं आपको ऑन रोड प्राइस बताता हूँ, तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको आएगा 105,375 रुपये। ये पटना का ऑन रोड प्राइस है और पटना में हम हैं जीएसबी बजाज, जो कि आपको एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे जीएसबी बजाज पटना के आप जब ट्रांसपोर्ट नगर गेट नंबर 2 के सामने कृष्णा निकेतन के बगल में आइएगा तो वहाँ पे आपको जीएसबी बजाज मिल जाएगा, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उस पर आप कॉल करके आप ऑन रोड प्राइस फाइनेंस ETC की जानकारी ले सकते हैं एक्सचेंज के संबंधित भी। तो हमारे पास जो प्राइस के बारे में मैं बात कर रहा था, तो इसका प्राइस आपको 105,375 रुपये, 105,000 मानते हैं। और इसका अगर प्राइस अगर देखा जाए तो 101,894 रुपये, तो 1,909,000 रुपये मानते हैं। तो डिफरेंस देखा जाए तो बहुत कम मुझे देखने को मिल रहा है, लगभग अगर डिफरेंस देखा जाए तो 4,000 से भी कम का डिफरेंस है, या 4,000 का डिफरेंस मान सकते हैं। ऑन रोड जब आप लीजिएगा तो 4,000 के आसपास का डिफरेंस, तो 4,000 के डिफरेंस में अगर आपको इन सभी चीज़ों को एक्स्ट्रा आपको चाहिए, मतलब ये जो फील है स्प्लिट सीट का, चाहे आपको जो रियर व्हील टायर्स का सस्पेंशंस का, तो आपको इसको प्रेफर कर सकते हैं। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बाइक को अगर आप लीजिएगा तो एक आपको अलग ही प्रीमियम फील देगी ये बाइक। तो ये था इसका रिव्यू, अगर इससे संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, और कॉल करके इस जो कॉन्टैक्ट नंबर पे किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप बात करके जानकारी ले सकते हैं।